हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर की। तो देखिए, ऑल डे एफिशिएंसी में क्या होता है कि एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। अब ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है, ये स्पेशल तरह की एफिशिएंसी है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल डे एफिशिएंसी क्या कहती है। तो देखिए, जैसा कि नाम बता रहा है, ये ऑल डे मतलब ऑल डे एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी देखनी है ऑल डे मतलब फॉर 24 आवर। ठीक है, अब हमको मालूम है कि एफिशिएंसी क्या होती है। सिंपली एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक, तो ये एफिशिएंसी होती है। अब ऑल डे एफिशिएंसी में क्या करते हैं हम, ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, द प्राइमरी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द लाइन फॉर 24 आवर्स ए डे। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सपोज कीजिए ये हमारा, अगर एक हम मान लें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये कोर हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक, तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, 24 आवर इसको कनेक्ट कर देते हैं हम किससे, लाइन से, ताकि इसको सप्लाई मिलती रहे। ठीक, अब जब आप इसको 24 आवर कनेक्ट कर देंगे तो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि कोर लॉस जो है वो तो पूरे जब तक ये कनेक्ट रहेगा तब तक होगा, तो कोर लॉस जो होगा ट्रांसफार्मर में वो तो 24 आवर होगा। ठीक, लेकिन जो कॉपर लॉस है, जो वाइंडिंग के अंदर जो लॉस है, वो तभी होगा जब वो लोड से कनेक्ट होगा। कॉपर लॉस अकर ओनली व्हेन द ट्रांसफार्मर इज ऑन, जब ऑन लोड होगा, मतलब जब ट्रांसफार्मर से आप यहां से यहां पे जब कोई लोड कनेक्ट होगा तब जो है कॉपर लॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की कि कोर लॉस जो है केवल कोर लॉस 24 आवर्स होगा और कॉपर लॉस जो है केवल लोड पे जब कनेक्ट होगा तब होगा। अब उसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑपरेट वेल बिलो द रेटेड पावर आउटपुट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये जनरली जो इसका आउटपुट रेटेड रहता है, ठीक है, जो रेटेड पावर आउटपुट होता है, रेटेड पावर की भाई इतना आउटपुट पावर से आप ले सकते हैं, उससे कम पे ही ये ऑपरेट किए जाते हैं, उस पे कम पे ही रखा जाता है। ठीक है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू डिजाइन ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अकरिंग एट द एवरेज आउटपुट पावर। तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए एवरेज आउटपुट पावर पे। मतलब हम मैक्सिमम आउटपुट पावर पे नहीं जाते हैं, हम एवरेज आउटपुट पावर ही लेते हैं और उसी पे हम इस तरह उसको डिजाइन करते हैं कि एफिशिएंसी हमारी वो मैक्सिमम आ जाए। ठीक, द परफॉर्मेंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज मोर अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड बाई ऑल डे और एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो ऑल डे एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस ऑल डे एनर्जी को, ऑल डे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी भी बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इसी से, परफॉर्मेंस वो ऑल डे एनर्जी एफिशिएंसी से ही मेजर की जाती है या रिप्रेजेंट की जाती है, ऐसे आप समझ लीजिए। जिसकी ऑल डे एफिशिएंसी अच्छी होगी वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हुआ और जिसकी कम होगी वो उतना अच्छा नहीं हुआ। तो द एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड व्हेन द एनर्जी एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड फॉर ए डे ऑफ 24 आवर्स, इट इज कॉल्ड द ऑल डे एफिशिएंसी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल डे एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट टेकन ओवर ए 24 आवर पीरियड। यानी अगर हम एफिशिएंसी ऑल डे लिखें तो इसको हम इसके फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी आउटपुट
एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट ओवर 24 आवर्स, 24 घंटे में कितना एनर्जी आउटपुट हुई और कितना इनपुट हुई, उनका हम रेशियो निकालेंगे तो हमारी ऑल डे एफिशिएंसी निकल आएगी। तो इसी जो एनर्जी इनपुट है इसको आप आउटपुट और लॉस में लिख सकते हैं, तो आप ऊपर लिख सकते हैं एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर्स, ठीक, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप लिखिए एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर्स प्लस जितना लॉस होगा, तो एनर्जी लॉसेस ओवर 24 आवर, पूरे 24 घंटे का हिसाब किताब आप ले लेंगे तो आपकी ऑल डे एफिशिएंसी निकल आएगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ द लोड साइकिल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नोन द ऑल डे एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड। इसको आप लिख सकते हैं इफ द, ये अच्छी लाइन है, इससे आपको न्यूमेरिकल करने में, इफ द लोड साइकिल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नोन, ठीक, द ऑल डे एफिशिएंसी, द ऑल डे एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें लोड साइकिल पता है ट्रांसफार्मर की, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो हम ऑल डे एफिशिएंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऑल डे एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, ए 2300 230 वोल्ट 500 KVA 50 Hz डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हुई है, क्या 2300/230 वोल्ट, ठीक, वोल्ट एम्पियर दिया है 500 KVA, ठीक, और फ्रीक्वेंसी दी है 50 Hz, ये ट्रांसफार्मर दिया है, ठीक। और क्या दिया है इसके साथ, कोर लॉस उसने दिया है, कोर लॉस कितना है 1600 वॉट एट रेटेड वोल्टेज, एंड कॉपर लॉस, कॉपर लॉस दिया है 7.5 kW एट फुल लोड ये दिया हुआ है, ठीक। और जो लोड साइकिल दी हुई है उसने लोड साइकिल के लिए चार्ट जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया है, मान लीजिए यहाँ दे दिया परसेंटेज लोड कि कितना हम लोड लगा रहे हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर और टाइम, मतलब कितने घंटे आवर्स, ठीक। आप चाहे तो इसको टेबल फॉर्म में भी कर लीजिए, चाहे जैसे इसको, ठीक है। अब पहले तो इसने कहा है कि साहब 0% हमने दिया लोड और कितना 2 घंटे के लिए, ठीक, ये हो गया। उसके बाद 20% लोड दिया हमने और पावर फैक्टर था 0.7 लैगिंग, लैग या लीड ये देना बहुत ज़रूरी, 4 घंटे के लिए दिया। फिर इसने कहा कि साहब 50% दिया हमने लोड और पावर फैक्टर था 0.8 और ये भी लैगिंग, ये भी हमने 4 घंटे दिया। उसके बाद लोड और बढ़ाया हमने 80%, ठीक, और 0.9 ये भी लैग कर रहा है, ये कितने घंटे दिया हमने 5 घंटे, ठीक। उसके बाद फिर हमने दिया 100% लोड दे दिया, 100% पावर फैक्टर कितना था 1 था और कितना 7 घंटे हमने दिया इसको, और फिर हमने लोड और 125% कर दिया और ये हो गया 0.85 लैग और कितने घंटे 2 घंटे। तो ये लोड साइकिल दे दिया
किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आपको डिटरमाइन क्या करना है, आपको कह रहा है डिटरमाइन ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे, पहले आप ये आर जोड़ लीजिए, 4, 2, 6, 4, 10, 5, 15, 7, 22 और 4, 24, टोटल 24 घंटे का उन्होंने दे दिया कि साहब 0% लोड पे हमने इतनी देर चलाया ट्रांसफार्मर को, फिर 20% पे इतनी देर चलाया, फिर 50% पे इतनी देर चलाया, और फिर 80% पे हमने इतने, एंड सो ऑन, पूरे 24 घंटे का दे दिया। अब हम ऑल डे एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि एनर्जी आउटपुट, ठीक है। तो एनर्जी आउटपुट जो हमारा हो जाएगा, एनर्जी आउटपुट वो हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पियर इंटू पावर फैक्टर इंटू आवर्स, किलो वॉट आवर, ये आ जाएगा। तो अब टोटल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे इस टेबल से, ठीक है ना, तो अब ये पूरा टेबल ड्रॉ करने बजाय मैं यहाँ पे आपको तुरंत जो है सीधा केवीए कॉस फाई की वैल्यू लिख देता हूँ, केवीए कॉस फाई, ठीक है। बाकी चीज़ें तो यहाँ लिखी हुई हैं तो मैं इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अब बल्कि आपको मान लीजिए कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। से सपोज़ कीजिए ये टाइम पीरियड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, अब हमने कहा कि 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6। तो देखिए 1 के लिए जब आप केवीए कॉस फाई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 के लिए आपका केवीए कॉस फाई आ जाएगा 0.2 इंटू 500 इंटू 0.7, ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा कितना आ जा हो जाएगा, सीधा सीधा आपका आ जाएगा ये 0.7, ये हटा दीजिए तो ये पॉइंट से ये हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, 5×35 = 70 किलोवाट, ये हो जाएगा। और इसको जब आप घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे ये 4 घंटे है तो 17×4 करेंगे कितना आ जाएगा, 280, ठीक। तो ये आपका किलोवाट आर, मतलब ये आपकी आउटपुट एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही बाकी डाटा का इसका 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 आप कर लेंगे, मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो ये कायदे से 1 का नहीं, ये हो गया आपका 2 का, इसको हटा दीजिए क्योंकि 1 में पावर फैक्टर उसने मेंशन नहीं किया है, ठीक। तो ये हो गया 2 का, ऐसे ही आप 3 का कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट कर लेना, 3 वाले का आएगा कितना आएगा, 3 वाले का आएगा 800, फिर 4 वाले का आएगा 1800, फिर 5 वाले का आएगा 3500, फिर 6 वाले का आएगा 1062.5। टोटल आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7442.5, ये टोटल आउटपुट एनर्जी आ गई, ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर पीरियड एक्सक्लूडिंग 2 आवर्स एंड नोट लोड। देखिए इसमें जो हमने इसने में जो हमने टोटल एनर्जी आउटपुट निकाला है 24 आवर्स में, वो आया है हमारा कितना, 7442.5, जिसमें ये किलोवाट आर, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि शुरू के पहले जो 2 घंटे थे, फर्स्ट 2 आवर, उसमें नो लोड था, कोई लोड नहीं था, इसीलिए पावर फैक्टर नहीं मेंशन है, इसीलिए हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है, नहीं कंसीडर किया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या होगा, टोटल एनर्जी आ गई, अब टोटल एनर्जी लॉस निकालिए, टोटल एनर्जी लॉस, इसमें भी इन 2 घंटों को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि इसमें लोड लगा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा WI = PI × T, मतलब 1600/1000 × 24, ये हो गया आपका 38.4
ये किलो वाट आर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब कॉपर लॉस जो दिया हुआ है, कॉपर लॉस वो कितना दिया है, 7.5 किलो वाट। ठीक है, तो कॉपर लॉस एट एनी अदर लोड क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस एट एनी अदर लोड ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट रेटेड लोड, जो हम लोगों ने निकाल चुके हैं, कॉपर लॉस एट रेटेड लोड ये हुआ ना। और एम कहां से निकलेगा, एम बराबर हो जाएगा गिवेन लोड बटे फुल लोड। ठीक, तो इससे जब आप टेबल बनाएंगे, इससे जब आप पूरी टेबल बनाएंगे, तो मान लीजिए इसको हम टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, एक कॉलम, दूसरा, ये सब समझते चलिए, दूसरा कॉलम, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। ठीक है, जब आप यहाँ टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे टेबल के पहले रो में क्या हो जाएगा, परसेंटेज रेटेड लोड, परसेंटेज रेटेड लोड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर हो जाएगा आपका एम, फिर हो जाएगा आपका एम स्क्वायर पी सी एफ एल। ठीक, फिर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आवर्स, और यहाँ आपका आ जाएगा इनर्जी लॉस, मतलब इनर्जी लॉस। तो देखिए पहले परसेंटेज लोड कितना है, 20, एम हो गया 0.2, इसको आप करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर इंटू 7.5, कितने घंटे, 4 घंटे, ये आ जाएगा 1.2। इसी तरह बाकी वैल्यूज आप रख के निकाल लीजिएगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ आपका, तो ये फिर 4 घंटे के लिए आ जाएगा 7.5, फिर अगले 5 घंटे के लिए ये आ जाएगा 24.0, फिर 7 घंटे के लिए आ जाएगा 52.5, और फिर 2 घंटे के लिए आ जाएगा 23.44। जब इसको आप टोटल करेंगे तो पूरे 24 घंटे के लिए एक्सक्लूडिंग दोज 2 आवर्स 108.64 किलो वाट आर। ठीक, इसमें भी वो ये जो 2 घंटे हैं ये ध्यान रखिएगा, इसको एक्सक्लूड किया हुआ है क्योंकि इसमें कोई लोड ही नहीं लगा है। जब नो लोड, जब कोई लोड नहीं लगा है तो उसको कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या होगा कि एक तरह से हमारा टोटल इनर्जी लॉस जो आया, टोटल इनर्जी लॉस इन 24 आवर्स, वो हो गया 108.64 किलो वाट आर। अब टोटल इनर्जी लॉस इन 24 आवर्स, टोटल इनर्जी लॉस इन 24 आवर, तो ये लॉस और वो वाला लॉस आप जोड़ दीजिए, तो 38.4 प्लस 108.64, ये आ जाएगा आपका 147.04 किलो वाट आर। ठीक है, ये हो गया। टोटल इनर्जी आउटपुट कितना है, टोटल इनर्जी आउटपुट है हमारा, इनर्जी आउटपुट अभी हमने निकाला था ना, कितना था, 7442.5 किलो वाट आर। तो बस अब आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ऑल डे एफिशिएंसी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा आपका 7442.5 डिवाइडेड बाई 7442.5 प्लस ये 147.04, ये हो गया आपका 0.9806 पर यूनिट, या अगर परसेंटेज में दिखाएंगे तो ये हो गया 98.06%, ये आ गया आपका आंसर। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें लोड साइकिल पता है, तो उसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करा दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।